Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will discover the topic of the slicing. कि यहाँ पे हम list पे slicing operation किस तरह से perform कर सकते हैं, we'll see, right? So list जो हमारा already एक data type है जो हमने already यहाँ पे देखा हुआ है, still we'll just try to create a fresh list, उसको भी check कर लेंगे, right? अब यहाँ पे जो operation आपको समझना है, that is the slicing operation. अब स्लाइस से ही हमें पता चल रहा है कि बेसिकली कुछ, जैसे मान लो कोई फ्रूट वगैरह है, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग कि बेसिकली वी आर जस्ट कटिंग इट, वी आर मेकिंग अ स्लाइस, राइट? जैसे हम बोलते हैं मैंगो की स्लाइस, सो मैंगो को कट करके उस हिसाब से स्लाइस कर सकते हैं, और भी कोई फ्रूट्स है तो उसको भी हम स्लाइस कर सकते हैं, राइट? मतलब ओरिजिनल आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें से हम कुछ चीज को अगर अलग करेंगे, राइट? सो ये आपका नॉर्मली बन जाता है स्लाइसिंग. बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हम डेटा टाइप लिस्ट पे परफॉर्म करेंगे, सो एक्चुअल जो हमने क्रिएट की होगी, सो क्रिएशन में हम कोई भी चीज़ का मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, राइट? ये आपका ओरिजिनल हो गया. यहाँ पे कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट? जस्ट कंसिडर ये आपका स्टोर्ड है ऑन द इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट? यही चीज रिवर्स में आपकी होगी, -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4 और ये आपका -5, राइट? सो इस हिसाब से हम अगर स्लाइसिंग करेंगे, मान लो कि हमें स्लाइस करनी है इतने एलिमेंट्स की, राइट? सो स्पेसिफिकली वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ रेंज कि जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स होती है, एंड इंडेक्स होती है, राइट? ये सारी चीज हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से जो भी एक स्लाइस निकल के आएगी, सो वो यहाँ जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे वहां से कुछ स्लाइस निकल के आएगी. सो वी आर नॉट एक्चुअली मॉडिफाइंग द ओरिजिनल लिस्ट, वी आर जस्ट टेकिंग आउट सम स्पेसिफिक एलिमेंट्स बाय जस्ट गिविंग सम काइंड ऑफ रेंज, राइट? उसको इंडेक्स डायरेक्शन हम यहाँ पे देते हैं. सो यही चीज को हम स्लाइसिंग बोलेंगे, राइट? सो इट इज वन फंडामेंटल ऑपरेशन इन प्रोग्रामिंग के जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सो By this we are just creating a sub list. ये हमारा actual हो चुका है actual list, और ये यहाँ पे जो निकल के आएगा इस तरह से after slicing, so इसको हम बोलेंगे sub list, right? So sub list कब निकलेगा कि जहाँ पे हम कुछ range of elements देंगे यहाँ से, तो वहाँ पे जो भी निकल के आएगा, so that will be called as a sub list. और ये पूरे operation को हम क्या बोलेंगे कि हमने स्लाइसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया, राइट? दूसरी चीज वही चीज है कि वी आर जस्ट, ये जो हमें निकल के आ रहा है, सो दैट इज वी आर एक्सट्रैक्टिंग अ पोर्शन ऑफ अ लिस्ट. यहाँ पे जो ये हम कर रहे हैं तो एक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? एक्चुअल लिस्ट को हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर रहे. सो ये सारे चीज पॉइंट्स है, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द एग्जाम एज वेल एज यू कैन जस्ट फेस द इंटरव्यू एंड यू कैन जस्ट आंसर द सेम. So, हर जगह पे ये आपको काम लग सकती है, राइट? स्लाइसिंग का कंसेप्ट जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग में अलग अलग हो सकता है मे बी, बट कंसेप्चुअल जो आपका निकल के आता है, सो कंसेप्टली यही चीज आपका रहेगा कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स, और ये किस पे लगेगा ये भी आपको ध्यान रखना है. सो वी हैव टू कंसिडर कि जहां पे आपका इंडेक्सिंग का कंसेप्ट निकल के आ रहा है, राइट? जो डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा टाइप आपका इंडेक्सिंग फॉलो कर रहा है, एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जो एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स को प्रॉपर इंडेक्स में स्टोर कर रहा है, उसी चीज पर स्लाइसिंग लगेगा. बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, हम इंडेक्स यहाँ पे उसको बताते हैं कि ये इंडेक्स पे जाओ भाई और मुझे ये लाके चीज दो, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं व्हाट वी हैव डन. सो यहाँ पे एक मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, इंटीजर नंबर्स 10, 20, 30, 40, राइट? ये ब्रैकेट्स देख के आपको पता चलना चाहिए, अगर ये ब्रैकेट यूज करूँ तो क्या होगा, ये करूँ तो कौन सा डेटा टाइप है, राइट? यू कैन जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन. आप थोड़ा एक्टिव रहिए, सो मुझे भी लगेगा कि यू आर जस्ट चेकिंग द वीडियो प्रो एक्टिवली, राइट? फॉर द स्टूडेंट स्पेसिफिकली, तो वो तो आप ज़्यादा एक्टिव रहना ही चाहिए आपको, राइट? जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनके लिए एक बार देख के दैट इज ओके.
दोज हु आर प्रिपेरिंग फॉर अ फ्रेश, पहली बार देख रहे हैं, सो आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहिए, सो आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड वन लिस्ट. यहाँ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जो आपके इंटीजर एलिमेंट्स हैं. अब यहाँ पे हम स्लाइसिंग ऑपरेशन करेंगे. वी हैव टू पास लाइक दिस जो अपना वेरिएबल है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला, स्टार्ट इंडेक्स होती है, एंड इंडेक्स होती है, राइट? अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती यही चीज़ करते हैं कि पहले तो ये समझना है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, सो आपकी पॉजिटिव इंडेक्स जो है दैट विल स्टार्ट, अगर इसको थोड़ा ग्राफिकली यही चीज़ है, इसको इस हिसाब से समझ लें. सो ये आपका 0 पे होगा, ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, -3, राइट? सो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे हैं, एंड इंडेक्स दे रहे हैं. अब जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है यहाँ पे, तो वो आपकी इंक्लूसिव होती है, मतलब यहाँ पे वो इंक्लूड होगी, राइट? इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि वो आपका उस चीज़ में इंक्लूड होगा. और जो एंड इंडेक्स होती है आखिरी पोजीशन, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती. वो आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मान लो कि यहाँ पे मैं एक अपनी एक्चुअल लिस्ट में से स्लाइस बना रहा हूँ, ये आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स, ये आपकी एंडिंग इंडेक्स, और जो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका होगा सब लिस्ट, और वो सब लिस्ट आपका स्टोर होगा ओवर हियर, राइट? सो ये आपका बेसिक चीज है. तो ये 1 आपकी स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये आपकी एंडिंग इंडेक्स है. स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूसिव होगी, मतलब वो आपका कैलकुलेट होके आएगा. एंड वाला एक्सक्लूसिव होता है, मतलब उसकी आगे पोजीशन तक यहाँ पे चलता है. सो ये चलेगा 1 से लेके 3 तक, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर. सो 1 पे आप देखिए क्या है, सो 20, सो दिस इज द रिजल्ट आउटपुट. 2 पे देखिए 30, एंड 3 पे देखिए 40, राइट? लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि ये फोर्थ नंबर की इंडेक्स को भी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से लिख के आ जाते हैं, राइट? सो दिस इज टेक्निकली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द थियरी. ये हमने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी है, सो वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर्टी, राइट? सो यही चीज़ आप लेते जाइए, एंड जस्ट ट्राई टू कीप ऑन चेकिंग. दूसरा आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ है, अगेन ये मेरा एक्चुअल जो लिस्ट है वही है, उस पर स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, और जो भी आउटपुट यहाँ पे निकल के आएगा, सो वो स्टोर होगा इन दिस प्रैक्टिकल लिस्ट, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर. अब यहाँ पे लोग ये देख के भी क्या लिखते हैं कि ये एरर है, राइट? सो इस तरह से ये एरर नहीं है. यू हैव टू मेक श्योर, ऐसा आपने देखा हो, खाली भी हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं. सो टेक्निकली खाली मतलब वो आपका स्टार्ट करेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट? सो जो भी आपकी स्टार्टिंग है, सो स्टार्टिंग इंडेक्स आपकी है यहाँ पे 0th लोकेशन. सो 0 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट विल कवर 10. सो ये 0 से लेके चलेगा कहाँ तक, अप टू 2 इंडेक्स तक, मतलब 0, 1 के आपका है 20, एंड 2 पे आपका है 30. यू हैव टू स्टॉप ओवर हियर, राइट? एंडिंग आपका जो है वो ऑलवेज, जैसे मैंने बोला, एक्सक्लूसिव रहेगा. अब रिवर्स करके ट्राई करते हैं कि जैसे मान लो स्टार्टिंग इंडेक्स मैंने यहाँ पे दी है, एंडिंग नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ से ये पता चलना चाहिए कि मेरा जो स्टार्ट है, सो वो तो हमने बोल दिया दैट विल स्टार्ट विद द 2. अब यहाँ पे अगर ये केस है, सो वो पूरा जहाँ तक आपकी लिस्ट है वहाँ तक, एंड तक उसको कंसिडर करेगा, राइट? सो 0, 1, 2, 2 पे स्टार्ट हो रहा है 30, सो ये स्टार्ट करेगा 30 से. 3 पे है 40, और यहाँ पे 50. तो जब तक पूरा लिस्ट यहाँ पे एंड तक नहीं है, तब तक ये आपको रिजल्ट में यहाँ पे देगा, राइट? इट विल रन टिल एंड ऑफ द लिस्ट. ये चीज़ समझना है. जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे बिगनिंग से उसने उठा लिया, यहाँ पे एंड है, सो एंड तक चलता रहेगा, राइट? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसी तरह से नेगेटिव इंडेक्स भी यहाँ पे स्लाइसिंग में आपका पॉसिबल है, राइट? सो नेगेटिव इंडेक्स में देखिए, सो स्टार्टिंग रेंज हमने दे रखी है -3, एंडिंग हमने कुछ दिया नहीं है, राइट?
सो माइनस थ्री से लेके स्टार्ट करेंगे अगर, सो आपका यहाँ से निकल के आ रहा है 30, राइट? सो ये आपका हो गया यहाँ पे 30, एंड ऑफ द लिस्ट आपका चलता रहेगा, सो 40 एंड 50, राइट? सो बेसिकली दैट इज डूइंग द स्लाइसिंग ऑफ द लास्ट थ्री एलिमेंट्स। सेम चीज को मैं आपको प्रोग्रामिंग पेपर दिखा दूंगा, सो टेक्निकली आपका और भी क्लियर हो जाएगा। यू कैन क्रॉस चेक द रिजल्ट्स, आप अपने से भी ये चीज सेम ट्राई कर सकते हैं। सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना रखा है सेम जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, राइट? और यहाँ पे पहले हम लिस्ट को प्रिंट करके चेक कर लेंगे, एज वेल एज यहाँ पे हम ये भी ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू चेक वेदर विच काइंड ऑफ डेटा टाइप इट इज, राइट? सो पहले ये रन करके चेक करते हैं ये दो लाइन। सो यहाँ पे पहले नीचे देखिए आपका, राइट? सो नीचे आप देखिए पहली लाइन का जो आउटपुट है हमें डेटा टाइप मिल चुका है, दैट इज ऑफ द टाइप लिस्ट, ये वाली लाइन। सेकेंड लाइन में हमने एंटायर लिस्ट का आउटपुट लिया है, राइट? ये हमारी एक्चुअल लिस्ट है तो ये आ चुका है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट आर डूइंग स्लाइसिंग ऑपरेशन वन बाय वन। यहाँ आप देखिए फर्स्ट पोजिशन पे पहली स्लाइस जो मैंने की है, व्हाट वी हैव डन। अब यहाँ पे देखिए मैंने सीधा उसको प्रिंट ही लिया है, आई हैव नॉट स्टोर्ड एनी इनसाइड एनी वेरिएबल, मतलब सब लिस्ट यहाँ पे सीधा ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ, अलग से उस चीज़ को कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो इसी तरह से भी मुझको एक आउटपुट मिल जाएगा, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई टू स्टोर समवेयर इन सम वेरिएबल, तो वो भी आप दोनों तरीके से पॉसिबली कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखिए कि स्टार्टिंग इंडेक्स भी नहीं है, एंडिंग इंडेक्स भी नहीं है, सो दैट विल जस्ट कंसिडर द एंटायर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। स्टार्टिंग भी नहीं उसको पता है, एंडिंग भी नहीं पता है, मतलब पूरा लिस्ट ही वो उठा लेगा, राइट? सो आप देखिए स्लाइसिंग वन एज इट इज, जो आपकी लिस्ट है वही का वही आ जाएगा। अब स्लाइसिंग टू में क्या है कि वी हैव जस्ट, लेट मी जूम इट फॉर यू। स्लाइसिंग टू में हमने क्या किया है, स्टार्टिंग इंडेक्स दी है वन, सो ऑफ कोर्स आपका स्टार्ट करेगा ये आपकी जीरो इंडेक्स है, ये आपका वन है, यहाँ से स्टार्ट करेगा, एंड इंडेक्स है थ्री, मतलब वो वन इंडेक्स से लेके टू इंडेक्स तक चलेगा, सो वन एंड टू, सो स्लाइसिंग टू आपका बनेगा 20 एंड 30। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने दिया है एक्सप्लिसिटली द स्टार्ट विथ इंडेक्स जीरो एंड एंड अप टू 7, राइट? मतलब यहाँ जीरो इंडेक्स 1, 2, 3, 4, सो ये पूरे का पूरा यहाँ पे कवर कर लेगा स्लाइसिंग थ्री, राइट? बिकॉज एंड ऑफ लिस्ट जो है आपका खत्म हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे यहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। स्लाइसिंग फोर देखिए तो यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन कुछ नहीं है, एंडिंग आपकी है थ्री, सो स्टार्ट करेगा लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है, सो जीरो, थ्री दिया है, सो जीरो, वन एंड टू यहाँ तक ही आएगा, राइट? सो स्लाइसिंग फोर 10, 20 एंड 30। इसी तरह से अब स्लाइसिंग फाइव में स्टार्टिंग इंडेक्स टू है, सो जीरो, वन एंड टू यहाँ से स्टार्ट करेगा 30 से, और एंड कुछ नहीं है तो पूरा लिस्ट है वहाँ तक वो चलता रहेगा, सो स्लाइसिंग फाइव स्टार्ट होगा 30 से, आप देखिए 30 से और 40 एंड 50 टिल एंड ऑफ द लिस्ट। यही चीज़ नेगेटिव में भी यही आपका चलता रहता है, रिवर्स इंडेक्सिंग, जैसे मैंने मान लो चार स्लाइसिंग की है, राइट? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट, वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ -5, -1, मतलब यहाँ पे इस तरह से मैंने स्लाइसिंग को दिया हुआ है, राइट? सो ये आपकी देखिए ये होगा -1, -2, -3, -4 एंड -5, सो -5 से आप यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और -1 तक, सो -5, -4, -3, -2 एंड -1, तो रिवर्स स्लाइसिंग में इस तरह से आपका पूरा इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। दूसरा हमने स्टार्ट किया है -4 टू -2, सो ये आपका हो गया -4, -3,
राइट, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे ये एक्सक्लूड करता है, राइट। जैसे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे भी यही चीज हो रही है और यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, मतलब -4 से लेके -3 चलेगा, -2 तक नहीं चलेगा। दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू क्लियरली से। यहाँ स्टार्टिंग दिया है -4, एंडिंग कुछ नहीं है, सो जहाँ तक एंड है वहाँ तक चलता रहेगा। सो -5 -4, यहाँ से वो उठाएगा और पूरा एंड तक वो चल जाएगा इन द स्लाइसिंग 3, राइट। इसी तरह से अब स्लाइसिंग 4 में स्टार्टिंग मैंने कुछ नहीं दिया है और मैं एंड दे रहा हूँ -1 तक, राइट। सो आप यहाँ पे समझिए, सो यहां से लेके ये यहां तक चलेगा इन द रिवर्स इंडेक्स। और भी कुछ आप अपने से ट्राई करना चाह रहे हैं, सो यू कैन ट्राई फ्रॉम योर एंड। आई हैव जस्ट ट्राई टू शो यू पॉजिटिव इंडेक्सिंग एज वेल एज द रिवर्स इंडेक्सिंग पोजिशन, कि किस तरह से आप सेट ऑफ एलिमेंट्स को फैच कर सकते हैं, राइट। यू कैन जस्ट पॉज योर वीडियो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, पेन पेपर पर ट्राई कीजिए एंड एक बार इंडेक्स लिख दीजिए, सो दैट विल बी मच मोर इजी। आपको बस यही ध्यान रखना है, अगर है यहाँ पे कोई पोजीशंस तो आगे वाली पोजीशन इंक्लूड होती है, पीछे वाली नहीं होती, वो एक्सक्लूसिव होती है, उसके आगे तक चलता रहता है। अगर दोनों खाली है सो वो हर चीज़ इंक्लूड कर लेगा, अगर आगे खाली है सो आगे पूरा जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से स्टार्ट होगा, एंड खाली है तो एंड ऑफ लिस्ट जहाँ तक है वहाँ तक चलता रहेगा, दोनों है तो पहली से स्टार्ट करेगा और उसकी n-1 पोजीशन तक ये चलता रहेगा, राइट। रिवर्स इंडेक्स में भी यही चीज़ का कंसेप्ट आपका चल रहा है, यू हैव टू जस्ट टेक केयर कि आप माइनस इंडेक्स पोजीशन पे एलिमेंट को फैच करें, राइट। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो कीप लाइक, कीप डूइंग शेयरिंग, चीज़ों को आप शेयर कीजिए, राइट। और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कनेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, सो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।